अच्छा, तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो हमारा लास्ट एग्जांपल था, सुनो तो शुरू करो भाई। सब लोग आ गए, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई बाहर तो नहीं है। पार्टिसिपेंट्स इज 22 एंड हाँ भाई, कार्बन मोनोऑक्साइड के अंदर हम लोगों ने ट्रेजेडी ऑफ सीओ देखा था। ट्रेजेडी ऑफ सीओ देखने के बाद में हम लोग को ये समझ में आया, हमने कोऑर्डिनेट बॉन्ड के लिए 3 पॉइंट लिखे थे क्या भाई? कोऑर्डिनेट बॉन्ड कब बनता है? कंडीशंस फॉर कोऑर्डिनेट बॉन्ड लिखा था कि नहीं लिखा था, बोलो। नहीं लिखा था, नहीं सर लिखा था। तो कंडीशंस फॉर कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो है, हाँ भाई, इसमें लिखो जल्दी से, कंडीशंस फॉर कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो आज फिजिक्स क्लास तुम्हारा क्या उस पे हुआ क्या, लाइट बोर्ड पे? हाँ सर, बहुत प्रॉब्लम आई। ओके, क्या बैंडविड्थ इशू था क्या? हाँ सर, ठीक यस है, ठीक है भाई, ठीक है, करवा रहे हैं उसे भाई, ठीक करवा रहे हैं। चलो देखो, कंडीशंस फॉर कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या है? इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड तब बनता है, एक स्पेसिफिक कंडीशन चाहिए। उसमें नंबर वन कंडीशन है कि वन ऑफ द एटम्स, ठीक है, जिसको हम लोग जनरली बोलते हैं एक्सेप्टर एटम। हम क्या बोलते हैं? एक्सेप्टर एटम शुड बी, क्या बताओ, शुड बी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। अच्छा, इस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट में भी एक छोटा सा केस है, मतलब वो ऐसा वैसा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं हो सकता है भाई। शुड बी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट में क्या छोटा सा प्रॉब्लम है? शुड बी एटलीस्ट कितना बताओ, कितना? टू दो। हाँ अनिश, सही बात है, शुड बी एटलीस्ट 2 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, शुड बी एटलीस्ट 2 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ये पहली कंडीशन। और नंबर टू, अदर आटम, ठीक है, अदर आटम, ठीक है, दैट इज ऑफन कॉल्ड डोनर आटम, ऑफन कॉल्ड डोनर आटम मस्ट हैव एटलीस्ट, क्या बताओ, वन मस्ट लोन हैव, पेयर, यस, वन लोन पेयर, मस्ट हैव एटलीस्ट 1 लोन पेयर, ठीक है। और अच्छा, ये दो कंडीशन देखने पे नॉर्मली हमेशा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाना चाहिए। एक तीसरी कंडीशन और है गाइस, एक थर्ड कंडीशन और है। तो वो थर्ड कंडीशन ये है दैट फर्दर शेयरिंग बिटवीन दीज टू आटम शुड नॉट बी पॉसिबल। फर्दर शेयरिंग बिटवीन दीज टू एटम्स, बिटवीन दीज टू एटम्स शुड नॉट बी पॉसिबल, शुड नॉट बी पॉसिबल, ठीक है। ये 3 पॉइंट्स जो हैं, जब ये तीनों पॉइंट सेटिस्फाई होते हैं तो हमारे पास में जो है, ठीक है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड अराइज करता है। अब ये आखिरी पॉइंट का क्या सिग्निफिकेंस है, ये हम थोड़ी देर में देखते हैं। तो कौन से नंबर का स्ट्रक्चर हम लास्ट क्लास में कर रहे थे, मुझे याद नहीं है, नंबर बताओगे भाई प्लीज? कार्बन मोनोऑक्साइड कौन सा इलेवन नंबर? 11th, 12th नंबर ले लेते इलेवन भाई। 12th नंबर देखो भाई, तो 12th नंबर में सबसे पहले आता है हमारे पास में, 12th नंबर में, 12th नंबर में द मॉलिक्यूल इज NH4+, NH4+ अमोनियम आयन, इसका नाम है अमोनियम आयन। अमोनियम आयन में वो कुछ लिख रहा था, एक मिनट, में अगर मैं स्क्रीन क्रॉस करूं तो ये बोर्ड रिटेन रहेगा क्या?
ओके ठीक है, जस्ट अ सेकंड. ओके, थ्री थर्ड नंबर स्ट्रक्चर था. नहीं यार देखो, अच्छा इमेजिन अमोनियम आयन एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू स्पीशीज. अमोनियम किया था कि नहीं लास्ट क्लास? नहीं किया था, नहीं किया था, नहीं नहीं. सर. अच्छा ओके ओके, यस बिल्कुल सही महक. इमेजिन अमोनियम आयन, इमेजिन द स्टोरी एज के एक एक हमारे पास में एन एच थ्री था, ठीक है, एक हमारे पास में एन एच थ्री था, एन एच थ्री था विद वन लोन पेयर, ठीक है. एंड ये बहुत ही ज्यादा जो है, ठीक है, क्रूअली क्या करता था, नाइट्रोजन जो है, ठीक है, नाइट्रोजन एक्चुअली तीनों हाइड्रोजन को जो है बहुत मारता था. एंड इट यूज टू बिकॉज ऑफ इट्स हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सब जगह से इलेक्ट्रॉन सक कर रहा है, तीनों हाइड्रोजन हाय 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 तौबा कर रहे हैं, दिक्कत है, ठीक है. एंड इसके पास में एक लोन पेयर रखा हुआ है, दोज रिच लैंडलॉर्ड जिसके पास में है भगवान का दिया सब कुछ, बट फिर भी और लेना है ऐसे. एंड हाइड्रोजन गालियां दे रहे हैं कि मर जा मोटे, तू कब जो है खाते खाते कब, ठीक है, तेरा पेट भरेगा, एंड सो ऑन. थ्री डेल्टा माइनस, ठीक है. एंड थिंग्स वर लाइक ही वाज, ठीक है, ही इज एक्चुअली वेरी हैप्पी, एंड इसे जो है कोई कोई किसी से कोई डर नहीं लगता, एंड ठीक है, एंड दिस इज द इशू. तो अब इसके बाद में क्या है, अलोंग केम अ एच प्लस, ठीक है, एक जो है वो एच प्लस निकल के आया, ठीक है. एंड एच, अच्छा एच प्लस जो है, एच प्लस जो है इसके पास में जीरो इलेक्ट्रॉन्स है गाइस, देखो बिल्कुल भूखा नंबा है, जो हम बोलते हैं सबसे फियरलेस आदमी, ठीक है. लेकिन बातें अभी भी आज भी क्या है बताओ, ऑक्टेट और डुप्लेट पूरा करने की, खुद के पास कुछ नहीं है, बट स्टिल ठीक है रोते हुए आ गया भाई, डुप्लेट पूरा करना है. एंड नाइट्रोजन फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिज लाइफ इज एक्चुअली सो स्केयर्ड, ठीक है, नाइट्रोजन की बिल्कुल हालत खराब है, ठीक है. हालत क्यों खराब है भाई नाइट्रोजन की, कि उसने जो है कभी कभी इस तरह का स्पीशीज देखा ही नहीं है जो कि बिल्कुल फियरलेसली इसको अप्रोच कर रहा है, ठीक है. एंड ही इज ट्राइंग टू, ठीक है, शू हिम अवे, ठीक है, भाग यहां से भाग. लेकिन एच प्लस को किसी से डर लगता नहीं है, तो एच प्लस इज अप्रोचिंग द स्पीशीज, ठीक है. एंड क्योंकि इसके पास में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, दो इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है, शेयरिंग के लिए कोई स्कोप ही नहीं है, तो पॉसिबल ही नहीं है, तो इसको अपना कोऑर्डिनेट बॉन्ड इसको देना पड़ेगा. तो पहली चीज जो निकल के आती है इसके अंदर वो देखो कुछ ऐसी निकल के आएगी, ठीक है, जो स्पीशीज बनती है पहली बार में वो क्या बताओ, एन पे एक एच नॉर्मल, एक एच नॉर्मल, एक एच नॉर्मल, ठीक है. और एक एच क्या हो जाएगा बताओ इसके ऊपर, कोऑर्डिनेट बॉन्ड की वजह से एच प्लस, कुछ ऐसा. और अगर मैं फॉर्मल चार्जेस दू, जो लास्ट क्लास में सीखा था, बताओ फॉर्मल चार्जेस का मतलब क्या होता है, देखो जैसे ये एन एच फोर प्लस है ना, तो फॉर्मल चार्जेस में क्या होता है भाई गाइस, कि बाहर से अगर कोई आएगा तो उससे तो पता नहीं है कि यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना है, ठीक है. यहाँ पे लिख रहा हूं देखो, दिस इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है, एंड दीज थ्री आर नॉर्मल बॉन्ड, नॉर्मल बॉन्ड एंड नॉर्मल बॉन्ड. ये तीन नॉर्मल बॉन्ड है और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है. तो उसके हिसाब से बताओ, कोई बाहर से देखेगा तो उसे क्या दिखाई देगा, कि नाइट्रोजन के पास में कितने इलेक्ट्रॉन है बताओ, क्यों भाई? तो लिखा नाइट्रोजन के पास, उसे उसे लगेगा कि ये एक इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का, ये एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, ये एक इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का और ये एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, फिर ये एक इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का और एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, लास्ट में ये एक इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का. अब नाइट्रोजन चिल्ला रहा है कि अबे वो भी मेरा इलेक्ट्रॉन है, एंड वी आर कंप्लीटली डेफ, एंड वी विल से कि ये एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन. तो ये एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, H प्लस का. तो अगर कोई इसे बाहर से देखेगा तो देखो, हमने लास्ट क्लास में क्या सीखा था बताओ, कि डोनर पे क्या चार्ज आना चाहिए, बोलो क्या चार्ज आना चाहिए डोनर, पॉजिटिव. ये फॉर्मल चार्जेस का रूल है. और एक्सेप्टर पे क्या चार्ज आना चाहिए, नेगेटिव, नेगेटिव चार्ज आना चाहिए. तो इसलिए देखो, डोनर पे मैं क्या चार्ज लगा दूंगा, प्लस. तो एन पे क्या चार्ज आएगा, प्लस. एंड एक्सेप्टर पे क्या चार्ज होगा बताओ, माइनस. माइनस थोड़ा सा नीचे कट रहा है, आई होप समझ रहे हो तुम, ठीक है, जल्दी से कॉपी कर लो भाई. ठीक है, एन एच
एच एच और एन पे एक प्लस, और बताओ इस एच पे क्या चार्ज? हाँ महक बिल्कुल सही, नो चार्ज इस एच पे नो चार्ज। अच्छा ये सब तुम्हारे रिकॉर्डेड लेक्चर में किसी ने देखा हो तो शायद मिल गया उसे, जो लोग एब्सेंट थे लास्ट क्लास में। एच के ऊपर क्या चार्ज? नो चार्ज क्यों? क्योंकि नेगेटिव हो गया। हाँ तुम्हें एग्जिस्टिंग चार्ज के ऊपर डालना है, तो यहाँ पे कोई चार्ज नहीं था तो एन पे प्लस आ गया, एस पे जीरो आ गया, तो अभी भी नेट चार्ज देखो क्या है NH4 प्लस में, ऐसा दिखाई दे रहा है। NH4 प्लस इज एक्चुअली कंप्लीटली आइडेंटिकल टू, बोलो क्या, बोलो क्या, CH4। अमोनियम और मीथेन में स्ट्रक्चर वाइज कोई फर्क नहीं है, बोलो भाई समझा, कोई डाउट जल्दी से। प्लस पे H, मतलब 2 माइनस का चार्ज नहीं आना चाहिए था किस पे? H H H प्लस पे 2 माइनस का चार्ज क्यों आएगा सर? क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन लिए करके। नहीं वो दो इलेक्ट्रॉन लिए नहीं है ना, वो दो इलेक्ट्रॉन शेयर्ड है ना। देखो तुमने ये फॉर्मल, हम लोग फॉर्मल चार्ज का ना कॉन्सेप्ट क्या है प्रतीक्षा, फॉर्मल चार्ज को ऐसे फील करो कि बाहर से कोई अगर देखने आए तो वो नॉर्मल बॉन्डिंग थ्योरी के हिसाब से दोनों बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स को बराबर फाड़ के फेंक देगा। मतलब इमेजिन, मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ। लेट्स से कि तुम कोई सामान लेके गई अपने बैग में, कोई दूसरा बच्चा जो है तुम्हारे बैग को देख के स्नैच कर रहा है, तुम दोनों में छीना झपटी चल रही है। समबडी केम एंड टू एंड द क्वेरल, ठीक है, व्हाट ही डिड और शी डिड वाज कि बैग का सामान आधा डिस्ट्रीब्यूट करके तुम दोनों को अलग कर दिया। तो बताओ तुमको कितना लॉस हुआ? तुमको जितना भी सामान था उसके हाफ का लॉस हुआ ना, हाफ तो तुम्हें मिल गया ना। यस सर। तो फॉर्मल चार्ज में हम लोग क्या करते हैं, हम इस बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को ऐसे हाफ हाफ तोड़ देते हैं, ऐसे मानते हैं, क्योंकि हमें ऐसा आदत है ना, बताओ नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड में कि एक इलेक्ट्रॉन ये लाता है एक इलेक्ट्रॉन वो लाता है, इसलिए एच पे प्लस वन का चार्ज आएगा ना, सॉरी माइनस वन का चार्ज आएगा ना, माइनस वन प्लस वन मिल के क्या हो जाएगा, जीरो। और तुम ऐसे देखो ना, सुनो, वो नॉर्मली बॉन्डिंग सेटिस्फाई भी कर रहा है ना, वो नॉर्मली बॉन्डिंग सेटिस्फाई भी कर रहा है, ठीक है। इसके अंदर एच जो है वो क्या हो जाएगा बताओ, प्लस वन और माइनस वन मिला के एच क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा ना। तो नॉर्मली एच ऐसा लग भी रहा है ना, एक बार बॉन्ड बन जाता है, सुनो इसका, वंस द बॉन्ड इज फॉर्म्ड, तुमने लिखा ये, मैं इसको हटाऊं नेक्स्ट पेज पे, वंस द बॉन्ड इज फॉर्म्ड, ये भी याद रखना भाई, वंस अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज फॉर्म्ड, once a coordinate bond is formed, ठीक है, it cannot be distinguished, it can, आवाज में लिखाया था क्या सर? आपकी आवाज कट रही है और स्क्रीन पे लिखा हुआ नहीं दिख रहा।
अभी आवाज आ रही है भाई? जी सर। हाँ सर। हाँ सर। अच्छा ठीक है ठीक है। देखो ये पुराना लिखा था ना वो तो स्लाइड चला गया, ठीक है। आई होप तुमने फर्स्ट बोर्ड कॉपी कर लिया हो। हाँ। नंबर टू से लिख रहे हैं। नंबर टू में हमने लास्ट क्लास में सेंटेंस लिखा था ना, वंस अ कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्मड इट कैन नॉट बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम अ नॉर्मल बॉन्ड। नहीं सर वो पूरा नहीं आया था। अच्छा मैं वही लिखवा रहा था तुम्हें कि जब हमने, सुनो, जब हमने NH4 प्लस को एक्सपेरिमेंटली देखा तो हमें क्या मालूम चला, ये NH है, NH है, NH है, और हमें ये दिखाई दिया कि ये एक बॉन्ड NH है, ऐसा है, समझे क्या भाई? अब हमें अपने मन में पता है कि इसके अंदर एक बॉन्ड कैसा है, वन बॉन्ड इज कोऑर्डिनेट, ठीक है, एंड थ्री बॉन्ड्स आर व्हाट, कोवेलेंट, थ्री बॉन्ड्स आर नॉर्मल, कोवेलेंट तो दोनों ही हैं, हाँ, ठीक है। तो हम लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे बताओ, कि एक अलग होगा और तीन अलग होंगे, जब एक्सपेरिमेंटली, और इस पे प्लस चार्ज इधर, समझ रहे हो? तो जब एक्सपेरिमेंटली हम लोगों ने एक्सपेरिमेंटली एनएच बॉन्ड्स वर मेजर्ड ठीक है इन NH4+, देन ऑल फोर बॉन्ड्स वर फाउंड टू बी, क्या बताओ? नॉर्मल। All four bonds were found to be completely identical in length and strength. जिससे हमें ये समझना है कि once a coordinate bond is formed, it cannot be distinguished. From a normal covalent bond. ये समझ रहे हो कि नहीं? Yes. जल्दी लिख लो इसे। और NH4+ के बाद में नंबर कौन सा है अभी मुझे नहीं पता है, ठीक है। एक बार जरा जल्दी से स्ट्रक्चर बना लो। 13 नंबर है। ओके सॉरी, बताया था भाई किसी ने मुझे, 13 नंबर। 13 में देखो जल्दी स्ट्रक्चर बनाओ। द फेमस ओजोन O3, मुझे इसका स्ट्रक्चर बना के व्हाट्सएप करोगे क्या? रिस्क नहीं ले सकता। क्यों सर? घर पे मार्कर रखे हुए। वो मार्कर जो है वो गलत स्ट्रक्चर बनाने के लिए नहीं होगा ओजोन का। मैं तुम्हारी शक्ल पे स्ट्रक्चर तभी बनाऊंगा शौनक जब मैं एक बार तुम्हें बता दूंगी ये स्ट्रक्चर है, फिर तुम दोबारा गलत बनाओ। वो सिर्फ लोन पेयर ड्रॉइंग के लिए है, दैट इज अनएक्सेप्टेबल। तुम लोन पेयर मेंटेन रख के गलत सलत बनाओ चलेगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। O3 को कैसे बिठाया जा सकता है? ट्रायंगुलर शेप में बिठाया जा सकता है। किसमें? ट्रायंगुलर शेप में। देखो बना के भेजो एक बार। अनीश का आया है मेरे पास में, एक अनीश का आया है भाई। आवाज आ रही है ना मेरी भाई, बता देना। हाँ हाँ सर। पार्थ आया है। पार्थ ये तुमने ऐसा स्ट्रक्चर जो है मतलब ऐसे कुछ सोच के बनाया है कि तुम्हें कुछ देखा हुआ याद है? सर एनसीईआरटी में शायद से देखा था एक बार। सेम क्वेश्चन इज फॉर अनीश, कि तुमने सोच के बनाया है अनीश कि तुम्हें देखा हुआ याद है? एंड सेंट्रल वाले एटम पे अनीश एक बार देखो ना,
लोन पेज नंबर, नंबर ऑफ लोन पेज देखो, और कोई नहीं है भाई? ओके गुड, ओके गुड, ओके शौनक गुड, क्या बात है चैतन भाई। मेरा फेवरेट स्ट्रक्चर जो है वो, ओके सम्यक, तुम लोग के स्ट्रक्चर्स में क्या है ना, सही स्ट्रक्चर्स की मतलब फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, लेकिन जो मैं इनोवेटिव दिल से एक बच्चा पहली बार स्ट्रक्चर्स बनाता है वैसे स्ट्रक्चर्स की फ्रीक्वेंसी कम है। सही बात है भाई आर्यन। आर्यन एक चीज बताओ ना, तुमने भी स्ट्रक्चर देखा है पहले? यस सर, एनसीईआरटी में चैप्टर हुआ है। अच्छा, हुआ है एनसीईआरटी में, बिल्कुल सही। अच्छा खुशी, खुशी ऑक्सीजन के आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स काउंट करो ना एक बार। देखो तुम फंडामेंटल मिस्टेक कर रही हो एक ना, ऑक्सीजन दो बॉन्ड बनाता है तो उसपे कितने लोन पेयर तुम्हें याद करवाए हैं खुशी, बोलो। खुशी 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 हेलो भाई, तुम चैट कर रही हो तो मैं देख नहीं पा रहा हूं भाई। अच्छा अरे कुछ तो बोलो, हाँ महक सही है। ओ माय गॉड तुल्लिका, ओके क्या तुल्लिका स्कूल में हुआ है क्या ये? हाँ सर चैप्टर तो हो गया है स्कूल में। थोड़ा बहुत याद है तुम्हें? हाँ सर। अच्छा सो चलो ठीक है, तो दो लोन पेयर बनाए खुशी, तुम्हें गलती समझ में आ रही है ना अपनी, उसमें क्या मिस्टेक है? हाँ सर। देखो ओजोन लेते हैं हम लोग सबसे पहले। द मोस्ट इनोवेटिव एंड सिंपल स्ट्रक्चर विच कम्स टू माइंड इज, सुनो दैट इज कि भाई एक ओ ऐसे रखा, एक ओ ऐसे रखा, एक ओ ऐसे रखा, और ये मैंने, मेरे को दिमाग में है कि दो बॉन्ड्स बनाने हैं, दो बॉन्ड्स दो लोन पेयर, ये रटती रहो ना खुशी। सब तरह की मिस्टेक्स अलाउड है, बट ऐसी मिस्टेक थोड़ी अलाउड है। दो बॉन्ड दो लोन पेयर, दो बॉन्ड दो लोन पेयर, दिस should be the perfect example of O3, and अगर ऐसा structure नहीं बने तो शायद हमारा जो है भगवान पे से भरोसा उठ जाए कि क्या वाहियात गिरी है, ऐसे कैसे आप कुछ भी जो है अच्छा खासा सुंदर सुंदर स्ट्रक्चर छोड़ के आप क्या बकवास कर रहे हैं सब, क्यों भाई सही बात है बोलो। अब प्रॉब्लम क्या है, O3 का स्ट्रक्चर ये होता नहीं है, ठीक है, एंड दैट इज अ वेरी, हाँ नहीं हाँ बहुत ज्यादा रिपल्शन हो जाता है किस किस के बीच में, मुझे भी यही बोला था। ट्रायंगुलर और साइक्लिक स्ट्रक्चर्स में मतलब जैसे मतलब नॉमिनेचर में जो मैंने पूछा था उसमें मतलब वो बन रहा था बट काफी अनस्टेबल। अच्छा तो शशांक सर ने बिल्कुल सही बताया तुम्हें, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो पहले तो इसके इसके जो है पास में हम लोग ये ड्रॉ कर देते हैं। प्रतीक्षा हां जी सर। हां मैं एक्चुअली सबसे एक्सपेक्ट कर रहा था ये बनाएंगे बट इन लोगों ने किसी ने बनाया ही नहीं है, ठीक है, तो मेरे पास इन्हें कुछ सिखाने के लिए है नहीं एक्चुअली। सर मैंने भेजा था। अच्छा तुमने भेजा? सर आयुष ने यही बना। मेरे को आपको भेजने के बाद याद आ गया स्ट्रक्चर। अच्छा अच्छा तुमको भी अब
कुछ सिखाने को नहीं है मेरे पास प्रतीक्षा, ठीक है, बट ये जो स्ट्रक्चर है इसके पास में जो है ना ये साइन बना लो, आयुष प्रतीक्षा ये साइन बना लो, ठीक है? हाँ सर बना लिया। ठीक है भाई, ये होता नहीं है, ये सब सो रहे हैं, देखो इतनी लेट तंबोली भाई क्या हो गया है? अरे बाप रे बाप, तंबोली ने तो नेक्स्ट लेवल पे ले गया भाई उसे। आर्यन सर क्या भाई, मतलब रेजोनेंस रेजोनेंस ऐसे शो ऑफ कर रहे हो यार तंबोली तुम। नहीं सर हुआ है। अच्छा क्लास में हुआ है क्या? हाँ सर। मेरा सारा आज के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स भी हुए हैं। सर सही वाला पता है बट आपको जानबूझ के गलत वाला भेजा करके। अरे नालायक तो शर्म कर, मतलब जो है शौनक तुझे जो है, हाँ चलो काम की बात ये है, सुनो ये स्ट्रक्चर क्यों अनस्टेबल है उसका एक रीजन है, ठीक है? देयर इज अ प्रॉब्लम विद सर्टेन टाइप ऑफ बॉन्ड्स, ठीक है? सम इन सम स्पेसिफिक कंडीशंस द बॉन्ड्स फॉर्मड आर वेरी रिलीज सो मच लो एनर्जी, इतनी कम एनर्जी रिलीज करते हैं दैट द स्ट्रक्चर फॉर्मड इज नॉट वेरी स्टेबल। तो उसमें देखो कंडीशंस क्या है, दैट व्हेन थ्री कंडीशंस आर मेट, ये लिखो गाइस इसके पास में, When three conditions are met, अब ये सब है ना, सुनो ये सब एक्स्ट्रा नॉलेज है, इसका थियोरिटिकली कोई हमारे पास में कॉन्ट्रडिक्शन नहीं, लेकिन जब तीन कंडीशन ऐसी मिल जाए, सबसे पहले नंबर वन कि when two atoms both of second period element, मतलब दोनों atoms कौन से period के हों, second period, ताकि उनका साइज क्या रहेगा, इस सुनो साइज क्या रहा है उनका, स्मॉल। नंबर टू, बोथ मस्ट हैव लोन पेयर्स ऑन देम, उन दोनों पे एटलीस्ट एक लोन पेयर, एटलीस्ट वन लोन पेयर ऑन देम। एंड नंबर थ्री, थर्ड लाइन क्या है भाई, थर्ड लाइन है कि दे आर सिंगल बॉन्डेड, इसको लिखो जल्दी से जरा।
हाँ भाई लिखा yes. अच्छा देखो तो जब ये तीनों कंडीशंस मेट होती हैं देन देन अरे देन द सिंगल बॉन्ड फॉर्म्ड इज वेरी अनस्टेबल. अब मुझे बताओ कि ये वाला प्रॉब्लम किस में आएगा. देखो सपोज मैंने एफ एफ का बॉन्ड बनाया, सपोज मैंने ओ ओ का बॉन्ड बनाया, सपोज मैंने एन एन का बॉन्ड बनाया, सपोज मैंने सी सी का बॉन्ड बनाया. एफ पे कितने लोन पेयर? तीन. तो भाई इसके अंदर ही प्रॉब्लम आएगा. हाँ ये बॉन्ड अनस्टेबल है. ओ पे कितने लोन पेयर? दो. इसमें प्रॉब्लम आएगा. हाँ भाई ये भी आएगा, इसमें भी आएगा. एन पे कितने लोन पेयर? एक. प्रॉब्लम आएगा. हाँ इसमें भी आएगा. ठीक है तीन रिपल्शन थोड़ा और ज्यादा खराब हो जाएगा एक्चुअली. सी में कितने लोन पेयर? जीरो. इसमें प्रॉब्लम आएगा? नहीं बिल्कुल नहीं आएगा. ये बॉन्ड एक तो बहुत ज्यादा स्टेबल है. अच्छा एक चीज बताओ, अगर मैंने ओ डबल बॉन्ड ओ कर दिया गाइस तो कंडीशन फेल हो गई है. इसको मत बोल देना एग्जिस्ट नहीं करता है. समझ रहे हो क्या? क्योंकि ये जो होगा, ये जो है इसमें डबल बॉन्ड आने की वजह से ये बॉन्ड फिर स्टेबल. ठीक है डबल आ गया इसलिए ये बॉन्ड स्टेबल है. समझे क्या? और इसमें एन ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो ये बॉन्ड तो इतना ज्यादा स्टेबल है. दिस इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड. ऊपर जो स्ट्रक्चर बनाया है इनका, उसमें दो लोन पेयर. नहीं नहीं सुनो, मैं तो दो बॉन्ड्स किससे बना रहा है नाइट्रोजन ये तो मैंने बताया ही नहीं ना. अभी ये मैंने ब्लैंक स्पेसेस छोड़ी है शिवेन. समझ रहे हो क्या? तो इससे देखो दो तीन. अच्छा और उसके बाद में अगर तुम ऑक्सीजन से नीचे सल्फर पे आ गए, सल्फर सल्फर ने बॉन्ड बनाया सिंगल, सुनो इसमें प्रॉब्लम आएगा क्या? बोलो. नहीं सर. क्यों नहीं आएगा? साइज बड़ा है. साइज बड़ा है. साइज बड़ा है तो ये बॉन्ड ऐसे स्टेबल है. यू शुड ड्रॉ दी स्माइली ताकि तुम्हें देखो एक बात समझ में आए. हमारे पास कुछ एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है देखो इसका. वो ये है, जैसे देखो F2Cl2Br2 और I2 सपोज मैं लूं, सब में सिंगल बॉन्ड है भाई. अब मेरे लिए एक्सपेक्टेड क्या था बताओ? जब नीचे जाऊंगा तो बताओ क्या होना चाहिए? एक्सपेक्टेड था व्हेन आई मूव डाउन तो बताओ बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए था? डिक्रीज. डिक्रीज क्योंकि साइज ऑफ एटम इंक्रीज कर रहा है और छोटा बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होता है. तो अब एक काम करते हैं, कोई जल्दी से मुझे गूगल करके बताए गाइस इसमें से कि F2 की बॉन्ड एनर्जी कितनी है. जल्दी कोई Cl2 कोई Br2 कोई I2 जल्दी जल्दी जल्दी. जल्दी वन नाइनटी बी आर टू. हाँ सर बी आर टू की 190 है, आयोडीन की 151 है. बी आर टू की 190 है, आयोडीन 151 है, बाकी बता दो प्लीज. सीओ टू क्यों देख रहे हैं बच्चे? Cl2. अच्छा CO2 लिखा है. Cl2 240 सही है क्या भाई? हाँ और F2 क्या भाई? 158.
158. तो एक चीज ऑब्जर्व करो कि ट्रेंड में इतना पोर्शन जो है गाइज, इतना पोर्शन बिल्कुल सही है. इस पर टिक लगा रहा हूं मैं. इतना पोर्शन बिल्कुल सही है, ठीक है. और ये जो पोर्शन है F2 का 158 वाला, ठीक है, ये एक्सेप्शन क्यों बना? इसको स्ट्रॉन्गेस्ट होना चाहिए था, लेकिन लोन पेयर के रिपल्शन की वजह से ये खराब हो गया. एंड अब बताओ, जब ये खराब हुआ है तो नीचे कहां गिरेगा, ये बात हमें पता नहीं है. तो देखो कहां गिर रहा है, सीएल टू और बी आर टू से आई टू के बीच में गिरा है. ये फैक्ट तुम्हें पता है, 12th में याद होना पड़ेगा भाई, समझ रहे हो? तुम्हें 12th में याद होना पड़ेगा भाई. तो इसमें भाई ये वन ऑफ द रीजंस है कि क्यों F2 थोड़ा रिएक्टिव है, ठीक है. अच्छा एक बात और सुन, इसको देख के किसकी किसकी याद आती है बताओ? डू यू रिमेम्बर समथिंग? डेजा वू टाइप फीलिंग आ रही है तुम्हें? जल्दी बोलो. इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी याद आई कि नहीं आई भाई? हाँ सर, फर्स्ट वाला जो नीचे चला जाता भाई, वो उसका भी तो सेम लॉजिक था कि एफ का साइज छोटा है. हाँ, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑर्डर साइज छोटे की वजह से वो स्लिप कर गया था नीचे, जबकि होना चाहिए था हाईएस्ट. वो दो तीन बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें हैं. देखो पहला ऑब्जर्वेशन ये, दूसरा ऑब्जर्वेशन कि देखो कैसे कैसे सल्फर सल्फर के अंदर, देखो ये जो इसमें जो बॉन्ड में अनस्टेबिलिटी नहीं आने की वजह से ये रीजन है कि हैव यू हर्ड दैट सल्फर हैज स्लाइट कैटेनेशन प्रॉपर्टीज? यस सर. यस, ठीक है. इसलिए सल्फर की चेन्स बन जाती है, लेकिन ऑक्सीजन की चेन्स नहीं बन पाती, क्योंकि सल्फर सल्फर सिंगल बॉन्ड चलता है बट ओ नहीं चलेगा. बहुत सारी बातें हैं देखो ऐसी. इसके अंदर ये रीजन है कि H2O2, हैव यू हर्ड द फॉर्मूला हाइड्रोजन परऑक्साइड? हाँ सर. H2O2, डू यू नो H2O2 इज अनस्टेबल लिक्विड, अपने आप टूट जाता है पड़े पड़े. Yes, sir. उसका रीजन जो है वो क्या है? वीक ओ बॉन्ड्स. ओ बॉन्ड. एंड अल्टीमेटली मुझे एक चीज बताओ कि जैसे जैसे इसके अंदर फर्स्ट मेंबर ये हार गया, इसके अंदर ये हार गया, इसके अंदर ये हार गया, जैसे कार्बन अपने ग्रुप में हारेगा क्या? नहीं नहीं सर, क्योंकि उसमें कोई लोन पेयर नहीं है. तो उसका अगर तुम सीसी एसआई एसआई जर्मेनियम जर्मेनियम बॉन्ड ऑर्डर देखोगे, सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड किसका मिलेगा तुम्हें? कार्बन. कार्बन. दिस इज द रीजन दैट सेकंड पीरियड में कार्बन कार्बन फॉर्म्स वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड्स, ठीक है. एंड इट इवेंचुअली बिकम्स वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कोवेलेंट बॉन्ड्स जो नेटवर्क बना सकता है. वैसे तो HH सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्योंकि साइज बहुत छोटा है, लेकिन बाकी सब में लोन पे रिपल्शन, कभी किसी का साइज बड़ा है. कार्बन से हर आदमी किसी न किसी रीजन से हार जाता है. कोई आदमी सेकंड पीरियड गया है लेकिन लोन पेयर से हार जा रहा है, कोई आदमी साइज से हार जा रहा है. तो वी एंड अप गेटिंग डायमंड एज द हार्डेस्ट सब्सटेंस. समझ लो ना ये सब बातें आगे पीछे. हाँ सर. तो काम की बात यह है, ओजोन का वो स्ट्रक्चर तो हो नहीं सकता है अल्टीमेटली. कमिंग बैक टू आवर मेन प्रॉब्लम, व्हाट शुड वी डू? उसका देखो इशू ये है कि अब फिर से O3 लेके आओ. इमेजिन O3 लाइक O2 प्लस O, ऐसे सोचो उसे. O2 प्लस O. अब बताओ मुझे, नॉर्मल O2 आराम से अपना बॉन्डिंग बना के बैठे थे, दे वर इन लव विद ईच अदर एंड थिंग्स वर गोइंग फाइन, एंड सडनली एक O आया, ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन लेके, दोनों की हालत खराब, ठीक है. दे आर लाइक क्या चाहिए भाई? तो ही इज लाइक दो शेयरिंग करो, एज सून एज पॉसिबल तुरंत दो शेयरिंग करो. दे आर लाइक के सॉरी डूड, ठीक है, वो तो नहीं हो सकता, ठीक है. ही इज लाइक नहीं हो सकता तो लास्ट रूल के तहत, ठीक है, आपको जो है अपने 2 इलेक्ट्रॉन मुझे डालने पड़ेंगे,
क्योंकि मेरे पास टू इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है और आपके पास में दो इलेक्ट्रॉन्स, दे आर लाइक बुलशिट, हाँ 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 यस 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 करके जो है बड़े अनमने ढंग से क्या करना पड़ा बताओ, बड़े अनमने ढंग से हमें क्या करना पड़ा हम लोगों को एक ओ दूसरा ओ तीसरा ओ पे तीन लोन पेयर में एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहां से यहां पुश करके डालना पड़ेगा, फॉर्मिंग द स्ट्रक्चर ओ सिंगल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड ओ। इस सिंगल बॉन्ड में एक एरो है, इसके पास में तीन लोन पेयर्स, इसके पास में एक लोन पेयर। नाउ दिस शुड बी कंप्लीटली क्लियर, बताओ किस पे कितने लोन पेयर्स हैं एंड इसके पास में दो लोन पेयर्स, समझे क्या भाई? Yes. और थर्मल चार्जेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर करोगे तो दिस शुड लुक लाइक, और ठीक है ओ डबल बॉन्ड ओ और ओ विद इस पे क्या चार्ज बताओ, ओ पे प्लस और इस ओ पे क्या चार्ज, माइनस। माइनस हार्दिक समझा क्या? आर्यन समझा गया? यस सर। यस सर। जल्दी कॉपी करो इसे। क्या हुआ? देखा क्या भाई? देखा? नेक्स्ट पे जाएं? सर एक मिनट, कोई बताएगा मुझे O3 इज आइसो स्ट्रक्चरल टू व्हाट? क्या छोड़ो छोड़ो, ज्यादा लोड मत लो भाई। सर NO2 माइनस। अरे क्या बात है, निले बोला क्या? हाँ सर। अरे बिल्कुल सही है निले, वेरी गुड। देखो भाई आफ्टर O3 मतलब ये सब केसेस हैं जिसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड एसेंशियल हो जाता है, ठीक है? तो ओजोन के अंदर क्या था गाइस, सुनो, ओजोन के अंदर यू कैन सी कि ओजोन के अंदर एक्चुअली क्या है कि सारे ही बॉन्ड्स वीक है, तुम्हें दिख रहा है? मतलब ये बॉन्ड भी वीक है, ये बॉन्ड भी वीक है, ये बॉन्ड भी वीक है। द स्ट्रक्चर इज सो अनस्टेबल कि कोई नॉर्मल बॉन्ड बन ही नहीं पा रहा है इसके अंदर। रूम टेम्परेचर पे This actually produces a very shitty thing. तो खैर देखो, fourth one देखो, structure number is 14. Thank you, man. 14. And this is a very famous structure जो बड़े-बड़े बच्चों का 12th class में भी गलत हो जाता है. Name is क्या नाम है भाई? नाइट्रिक एसिड। दो मिनट लेके मुझे स्ट्रक्चर भेजोगे बिना गूगल पे देखे, ड्रॉ करके लुईस ड्रॉ स्ट्रक्चर मुझे व्हाट्सएप भेजो भाई, वेट कर रहा हूँ, जल्दी। चैतल मिला नहीं है भाई मुझे, तुल्लिका, तरुण, सोहम,
आशुतोष कुछ आइडिया है क्या भाई? अर्नव या सर क्या तो क्या और नहीं और सर, क्या हो गया है? अच्छा हो गया है। तुम लोग न्यूज़पेपर जर्नलिस्ट ज्यादा और क्लास में अटेंडीज कम लग रहे हो भैया। क्या स्ट्रक्चर है, वाह वाह पार्थ, कभी कभी थोड़ा गलत भी बना दिया करो पार्थ फॉर अ चेंज। मेरे को डाउट होता है तुम सब कुछ गूगल ही कर रहे हो भाई। एनसीईआरटी में किया हो ऐसे, अगली बार जो है ना जान कुछ गलत बना देना थोड़ा। हाँ भाई शिवेन तुम भी, वाई कांट द स्ट्रक्चर बी लीनियर? किसका लीनियर बेटा, ओजोन का क्या? ओजोन का क्या तुल्लिका? हाँ सर। हाँ तुल्लिका तुम्हारे स्कूल में चैप्टर हुआ है, तुम्हें पता नहीं है? सेंट्रल ओ पे थोड़ा सा आइडिया लगाओ, सेंट्रल ओ पे लोन पेयर वीएसपीआर क्रिएट कर रहा है ना, वो मोड़ देगा ना भाई। रुक जाओ वो हो जाएगा तुल्लिका, हो जाएगा। सम्यक देखो एक ओपे लोन पेयर गड़बड़ है, सम्यक सब ओपे लोन पेयर नहीं है भाई। तंबोली ओ के लोन पेयर फॉर्मूला HNO2 नहीं HNO3 है तंबोली। तरुण ने बनाया फाइनली जो है, तरुण ने कुछ नॉर्मल गलत स्ट्रक्चर बनाया है। गुड तरुण, नाइस अटेम्प्ट। हाँ अनीश एकदम इमोशनली कोल्ड सही स्ट्रक्चर्स हैं तुम्हारे। ये देखो हार्दिक ने कुछ, हार्दिक तुमने जानबूझ के गलत एक गलत वाला भेज रहा हूँ। नहीं इस बार सही वाला नहीं पता, लेकिन इतना पता है गलत है। ठीक है प्रतीक्षा, अपने अपने फेस पे जो है 8 डॉट्स बना के भेजोगी क्या मुझे फोटो? सॉरी सर। बिल्कुल सही, बिल्कुल गलत है, एकदम सही शौनक। ये सर गलत है ना? अच्छा हाँ ओके, हाँ उस मोटिव से सही है। हाँ नहीं आशुतोष सुनो भाई सुनो, देखो भाई दादा एक ऑक्सीजन एक बॉन्ड बना के क्यों बैठेगा आशुतोष मुझे बताओ। अच्छा आयुष इसके अंदर अगर कहीं एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड है तो उसको उसको दिखाने की कोशिश करो ना एरो से या किसी से। सोहम बिल्कुल सही है पार्थ। अच्छा पार्थ क्यों गलत है बता दो अब। सर ऑक्सीजन ऑक्सीजन का और उसमें लोन पेयर भी। अरे वाह क्या बात है। हाँ तुलिका सही है, तुलिका उसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड दिखा दो थोड़ा सा। हाँ सही है प्रतीक्षा। अरे वाह क्या बात है खुशी, क्या बात है खुशी, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, बिल्कुल सही। नहीं 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 बच्चे हार्दिक रुक जाओ, रुको रुको मैं आ रहा हूँ। करेक्टेड वन, हाँ ठीक है गुड। हाँ तो लिखा ये सही है। हाँ आर्यन, हाँ आर्यन तुमने चेंज क्या किया? आर्यन को चेंज किया, आर्यन OH को ऐसे मत जोड़ा करो, सुनो वो H बीच में अजीब सा लगता है, समझ रहे हो क्या? इट लुक्स लाइक हाइड्रोजन डाइवेलेंट है और ऑक्सीजन मोनोवेलेंट है, उसको ऐसे मत जोड़ो यार। ओके सर। उल्टा लिखा करो। कुशल चैतल बिल्कुल सही है, हाँ भाई चैतल। आशुतोष, हाँ आशुतोष तुम्हें समझा क्या? भी कुछ रियलाइज किया, आपको एक और भेजता हूँ। अच्छा रुको रुको अब और मत भेजो, और तो मुझे इस पे आना पड़ेगा। नाइट्रिक एसिड में सी आई हैव सम इनोवेटिव स्ट्रक्चर्स, इसके अंदर क्या है कि जैसे तुमने जैसे कुछ कुछ लोगों ने तो क्या किया है देखो यही बना दिया है HN और फिर O O और O HNO3 हो गया।
आई लाइक दीज स्ट्रक्चर बिकॉज इनके अंदर क्या है कि बेसिक फंडामेंटल अभी भी कायम है. ऑक्सीजन के दो बॉन्ड्स दो लोन पेयर, दो बॉन्ड्स दो लोन पेयर, गलत स्ट्रक्चर में भी लोन पेयर बनाओ. नाइट्रोजन के तीन बॉन्ड्स दो लोन पेयर, ये क्यों गलत है? देखो देखो ये वाला बॉन्ड वीक है, ये क्यों गलत है? सभी सुनो गाइज, ये वाला बॉन्ड वीक है, ये वाला बॉन्ड वीक है, ठीक है, ये वाला बॉन्ड वीक है, ये वाला बॉन्ड वीक है, ये सब वीक है. और इसमें तो तुमने OH बॉन्ड भी नहीं बनाया भाई, जो तुम्हें सिखाया गया था, याद आया भाई हार्दिक? सपोज किसी ने ऐसा भी बना दिया, O का H के साथ बना दिया और फिर तुमने N के साथ ये किया, O O और O, तो अभी भी फंडामेंटल प्रॉब्लम बनी हुई है ना हमारे पास. इसके अंदर ये दो लोन पेयर्स हैं, ये दो लोन पेयर्स हैं, ये वाला बॉन्ड वीक है. देखो दिस इज वीक, दिस इज वीक, दिस इज वीक, सब वीक है ना भाई. So the issue is that nature is not accepting this structure because of so many weak bonds. एक तुमने framework बनाया है rods से, इसमें वो rods आपस में टिकने को तैयार ही नहीं, ठीक है? हाँ बिल्कुल सही. We have to again split this structure into two forms, in the form of HNO2 plus O. ऐसे सोचो इसे. तो एक nitrogen बैठा था and double bond O है, double bond O है. अरे यार सिंगल बॉन्ड ओ है, एच है, एक लोन पेयर है, एक लोन पेयर है, दो लोन पेयर, एंड ये दोनों मिलके जो है नाइट्रोजन के मजे ले रहे हैं, समझ रहे हो? इससे खींचता है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन से खींचता है, ये ऑक्सीजन नाइट्रोजन से खींचता है, दोनों आपस में बात करते हैं, देख 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 मैं खींचू गया, उससे उसने हल्का सा पुल किया, रब बाल खींचा उसका, एंड बगल में सामने से कौन आ गया? वन मोर ओ. जल्दी लिखो इतना भाई. सर आपको भेजा है मैंने, जो काम O3 में किया था वही HNO3 में कर दिया. अच्छा मुझे वैसे पूछना ये है कि जब ये ऑक्सीजन आया इसके सामने, ठीक है, एंड जैसे ही इसने बोला दो शेयर, सबकी फट गई, तो फिर इसने बोला टू इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है इस तरफ, शेयरिंग नॉट पॉसिबल है फॉर दीज, sharing for this not possible. So tell me this, मुझे please बताओ कि मेरे पास में ये भी एक site है loan pair देने की, ये भी एक site है loan pair देने की, और ये भी एक site है loan pair देने की, इन तीनों में से कौन loan pair देगा? So, nitrogen. Nitrogen. क्यों देगा nitrogen? Central atom है. आ ये कोई बात थोड़ी. सर अगर ओ के साथ करेगा तो उसमें फिर भी एक लोन पेयर बाकी रहेगा, वो रिपल्शन करेगा. तुम्हारी बात अभी इस केस में तो सही है भाई बच्चे, लेकिन सुनो रीजन ये नहीं है. किसने बोला वैसे रीजन ये, बाय द वे? सर पार्थ. हाँ भाई पार्थ, रीजनिंग तुम्हारी अच्छी थिंकिंग है, बट रीजन ये नहीं है. कोई और बताए भाई? नहीं, ओ एन का बॉन्ड स्ट्रॉन्गर तो पार्थ के लॉजिक से हो जाएगा, ठीक है, बट प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम और कुछ है. इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन क्यों दे रहा है बजाय ऑक्सीजन की, प्रॉब्लम इसकी और कुछ है, जो बहुत ही सिंपल सी बात है. सुनो ठीक है, डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड के लिए डोनेट किए हुए इलेक्ट्रॉन्स क्या क्या करते हैं बताओ? इलेक्ट्रॉन डोनेशन फॉर कोऑर्डिनेट बॉन्ड ठीक है, आर शेयर्ड म्यूचुअली एंड
इसके ऊपर कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा, एंड डैश गवर्न्स शेयरिंग. मुझे बताओ, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, अफिनिटी या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बोलो. हाँ मैं बोलो भाई. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी. एंड इसलिए बहुत ही जाहिर सी बात है कि इसलिए रिमेंबर, ऑलवेज रिमेंबर कि डोनेशन इज ऑलवेज बेस्ड ऑन, डोनेशन इज ऑलवेज बेस्ड ऑन क्या बताओ, इलेक्ट्रॉन डोनेशन. इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, नॉट ऑन नंबर ऑफ लोन पेयर्स. लोन पेयर डोनेशन इज ऑलवेज बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, नॉट ऑन नंबर ऑफ लोन पेयर्स. ये बात समझ में आई क्या? तो मतलब अगर मेरे पास में F है, सुनो, तीन लोन पेयर हैं, O है, दो लोन पेयर है, और N है, एक लोन पेयर है. सबसे अच्छा डोनेशन किसका होगा गाइस? नहीं, N का, नंबर ऑफ लोन पेयर से नहीं देखना है, उसके बाद में किसका? O का. और उसके बाद में किसका? हटूं, उसके बाद में किसका? अरे बोलो यार, F का. तुम्हें ये ध्यान रखना है, यही तो रीजन है, सुनो, कि NH3 पे H प्लस गिराया, और सुनो, H2O पे H प्लस गिराया, और HF पे H प्लस गिराया. ये तीनों रिएक्शन लिखना नीचे. तो सबसे फास्ट कौन सी रिएक्शन होती है तीनों में से? तुम बार बार किस चीज से सोच रहे हो? तुम किससे सोच रहे हो भाई, तुम बताओ ना. बता दो. नहीं, हम उसके लिए कुछ और ढूंढ लेंगे, कुछ कार्ड्स ढूंढ लेंगे. एक बार में जड़ से निकल जाएगा. क्लोरीन का ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ना. हाँ, तो ज्यादा है तो वो तो भाई ज्यादा है, तो मुझे बताओ, जो शेयर्ड है वो उसमें खींचेगा, और दूसरा शेयर करने आएगा तो नहीं देगा ना उसको यार. तो कुछ तो ऐसा सोच रहे हो जो मैंने तुम्हें बताया नहीं. मैंने तो नहीं बताया भाई. क्या कहते हैं, अच्छा, शायद तुम थोड़ा गलत एप्लीकेशन कर रहे हो उसका. सर ने ऐसे नहीं बताया होगा वैसे. हाँ सर, ऐसे नहीं बताया. ठीक है, चलो सुनो, यही तो देखो, दिस इज फास्टेस्ट. ये बहुत फास्ट होता है, ठीक है. यही तो रीजन है ना गाइज. सुनो, तुमने अमोनियम देखा है कि नहीं देखा केमिस्ट्री में? कॉमनली अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम डाइक्रोमेट, अमोनियम परमैंगनेट, अमोनियम सॉल्ट कॉमन है कि नहीं, बताओ. अमोनियम कटायन. यस. लेकिन तुमने हाइड्रोनियम देखा है क्या इतना ज्यादा? यू नो हाइड्रोनियम H3O प्लस, बट इज इट सो कॉमन? नहीं सर. अरे 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 अरे, ये क्या खुल गया. ओके ओके ओके. NH4 प्लस जो है, इज इट सो कॉमन? क्या H3 प्लस इज इट सो कॉमन? नहीं. और तुमने H2F प्लस देखा है कभी केमिस्ट्री में? नहीं सर. चलो ठीक है, ये लिखा जल्दी से. तो इसमें देखो, कोऑर्डिनेट बॉन्ड कौन देगा इसमें? N देगा. एंड सो द स्ट्रक्चर इज, मैं नेक्स्ट पेज पे जाऊं? बोलो भाई. ठीक है. हाँ सर. हाँ सर. नेक्स्ट पेज पे तो HNO3 का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? N कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, और O और H, ये स्ट्रक्चर है. इस पे तीन लोन पेयर्स, इस पे दो लोन पेयर, और इस पे दो लोन पेयर. इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. समझे क्या भाई? Thank you.
सर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से ही तो डाइथिलोन पे हम उसे रिलेटेड है और इसके पीछे तो जा नहीं सकते हम कार्बन पे. हाँ सही बात है. हाँ तो लोन पेयर से ही तो रिलेटेड होगा. नहीं नहीं नंबर ऑफ लोन पेयर से रिलेटेड नहीं है यार. एफ के पास तीन लोन पेयर है ना. हाँ सर ऐसे नहीं सोचना है. एफ के पास तीन लोन पेयर है ज्यादा देगा. ओ के पास दो है उससे कम देगा. एन के पास एक ही है तो कैसे देगा. नहीं सर वैसे नहीं. एन के पास ज्यादा तो अब F के पास ज्यादा तो बाकी मेरा मतलब ये था कि तुम ये कॉन्सेप्ट मत बनाना कि नंबर ऑफ लोन पे से डोनेशन हो जाएगा. बस ये मत सोचना. हाँ सर. अच्छा सुनो HNO3 के बाद में ठीक है दिस इज ये सारे स्ट्रक्चर्स जब हो गए हैं तुम्हारे तो तुम लोगों को व्हाइट बोर्ड दिख रहा है ना भाई. हाँ सर. हमारा ओजोन एक्सपेंडेड ऑक्टेट HNO3 ओजोन F2. हाँ भाई देखो ये बनाओ जरा जल्दी से. 16th नंबर. 16 नंबर है ना भाई. 15 नंबर है. ओके 15 नंबर. अच्छा ये सब बहुत सिंपल है जैसे CH3OH मेथेनॉल ठीक है और 16th CH3COOH एसिटिक एसिड ठीक है और 17th C2CH3 whole 6 तीनों के स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करो. मुझे बना के भेजो तीनों स्ट्रक्चर्स. सर होल 6 है कि 4 है. होल 6 है. एक मिनट भाई रुको देख रहे हैं. हाँ भाई चैतल सही है. वो भी सही है. ये भी सही है. पार्थ पार्थ सही है. अरे बाप रे. हाँ भाई पार्थ तीनों सही है. शौनक सही है. प्रतीक्षा सही है. एंड आई गेस बाकी लोगों का भी सही होना चाहिए. ये सही है और ये सही है.
तीसरा स्ट्रक्चर जो है इसमें तुमने एक फंडामेंटल मिस्टेक कर दी है मुझे लग रहा है। अनीश थर्ड स्ट्रक्चर देखो जरा एक बार। अच्छा ठीक है चलो हम देखते हैं। आशुतोष पहला सही है, बाकी आर्यन बस बहुत हो गया, तुम अपनी शक्ल भेजी दो जल्दी से डॉट्स लगा के। आर्यन आर्यन एक CH3 कम क्यों है तुम्हारे स्ट्रक्चर में? लोन पर तो कहीं लगे ही नहीं है। आर्यन बस भेजना ही पड़ेगा आपकी बार तो भी। एंड हम लोग पहला बच्चा जिससे शुरू कर रहे हैं वो आर्यन है, सब चेक करना। ये तरुण ओ पे तीन लोन पेयर क्यों बनाए हैं? कुछ ऐसा है कि कम ना पड़ जाए सर, बाकी आप एडजस्ट कर लीजिएगा। ये तुमने कौन सा ब्रांच ट्री डायग्राम बनाया है? सर सारे CH3 देखा है मतलब हाँ सही है ठीक है। वाह वाह शिवेन, गलत वाला सही वाला। ओके ओके हाँ महक, हाँ भाई महक सही है, हाँ सही है। खुशी ये सही है, अरे क्या बात है खुशी, क्या बात है क्या बात है। CH3COOH खुशी, इसमें कार्बन कम है, दूसरे वाले में कार्बन कम है देखो। सर अगर आपने आयरन के पेस पे डॉट्स की बनवाए तो हमें लगेगा कि आप बस मजाक कर रहे हो और हम लोन पेस को बनाना भूल जाएंगे। ओह माय गॉड, एक मिनट यार कैसे करें बताओ। COOH नालायक आशुतोष, ऑक्सीजन के लोन पेयर एक ऑक्सीजन के मिसिंग है, बाकी सबके हैं। क्लास प्रो से आर्यन के घर का नंबर लेते हैं, ठीक है घर पे कॉल करते हैं, और तो क्या करें बताओ। अब क्या चल रहा है? आयुष होश में आओ, आयुष तुमने हाइड्रोजन का डबल बॉन्ड बना दिया है, प्लीज जल्दी रोको। हाँ सर सॉरी गलती हो गई। मतलब तुम भी ये मजाक के मूड में यार क्या कर रहे हो यार। एक मिनट सम्यक, तुम रैंडमली बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स क्यों बना रहे हो? इसमें कोई कोऑर्डिनेट बॉन्ड की जरूरत ही नहीं है। व्हाई आर योर बॉन्ड्स इन बिटवीन लुकिंग लाइक एरोज? किसने किसके पेट में घुसा दिया है पता नहीं है। हाँ मैं सही है, ओके ओके दैट इज सो क्यूट। मैं तुम्हें सोहन का स्ट्रक्चर बताता हूं। ओ गाइस आई एम सो एक्साइटेड, अमेजिंग स्ट्रक्चर्स। सोहन तुम लोग ये स्ट्रक्चर भेजना कितना जरूरी है, सो दैट क्लियर्स आउट मेनी थिंग्स। लेकिन सुनो ना प्लीज, आने एक बार डॉट ला के कैमरा ऑन कर दो ना। ठीक है यार, अब कभी कभार ऐसे मान लो छोटी मोटी चीज में थोड़ा बुली हो गए आज तुम क्लास में, मान लेना। सर मार्कर नहीं है। अरे पेन से बना दो ना, पेन तो एकदम बाद में जाएगा, बॉल पेन अगर है तो। बाद में क्या मतलब, वोटर इंक की तरह तो नहीं है कि मतलब 2 साल लग गए निकलते निकलते? स्टैम्प भी चलेगा। हाँ मैं तो स्टैम्प मारता था जील का, जील का जो राउंड स्टैम्प है ना, स्टैम्प पैड मंगवा के शक्ल पे 4 स्टैम्प लगा देता था मैं तेरे को। समझ रहे हो? क्वालिटी प्रोडक्ट प्राइस। हाँ हाँ बिल्कुल। हाँ लड़कियों की शक्ल पे जो है वो मैम लगाती थी, बॉयज में लगाता था भैया। तुल्ली का इतनी डर गई है कि उसने अभी तक पहला भेजा है CH3OH। घबराओ मत बेटा, ऐसी क्या। अच्छा एक ही मिला है, अच्छा 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 ओके 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 करते हैं कुछ करते हैं आर्यन कुछ करते हैं। हाँ सही है आर्यन सही है, बच के जाएगा नहीं वो। और तुमने आउट ऑफ प्रेशर तुल्ली का बीच में कार्बन, सॉरी खुशी तुमने आउट ऑफ प्रेशर बीच में कार्बन घुसा दिया खुशी, अब उसकी वैलेंसी गई तेल लेने। समझ गए बच्चे? CH3COOH का मैम। यस दिस इज
दिस इज द क्यूटेस्ट स्ट्रक्चर जो कि मुझे देखने को मिला है. एंड सम ऑनरेबल मेंशंस आर, सर आपने बोला था CH3COH, तो मैंने बनाया CH3, समझ में आया मुझे. उसके बाद में मैंने C रखा. अब इस C का क्या करना है, आई हैव नो आइडिया. एंड देन इट वाज OOH, तो ये स्ट्रक्चर हो गया. नाउ ये स्ट्रक्चर तो गलत है ना, बॉन्डिंग का ध्यान तो तुम्हें रखना पड़ेगा ना भाई बेटा, समझ रहे हो ना खुशी? सर. चलो स्टार्टिंग विद CH3OH, बहुत आसान है. कितने OH बताओ इसके अंदर, 1 OH हो जाएगा. तो बताओ ऐसे देखो ना इसको, CH3 की वैलेंसी कितनी होती है गाइस, CH3 की वैलेंसी कितनी होती है गाइस, मोनोवेलेंट होता है कि नहीं होता है? उसके नीचे लिखो ये. और OH की वैलेंसी कितनी होती है भाई, ये भी मोनोवेलेंट होता है कि नहीं होता है? तो ये दो मोनोवेलेंट चीजें समझो इसको. इमेजिन इन योर हेड फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये इस तरह से बना हुआ है. अच्छा खुशी देखो एक बात समझो, बाकी लोग भी देखो एक बात देखो ध्यान से, जिनका स्ट्रक्चर थोड़ा गड़बड़ाया है CH3COH का, इसको देखो, मेरी बात सुनो. इसको है ना, तुम्हें एग्जामिनर ने इसको ऐसे लिख के नहीं दिया है गाइस कि दिस इज C2H4O2. अगर वो ये लिख के देता तो हमारे पास में कोई आइडिया नहीं होता कि हमारे पास में बहुत सारे फॉर्म्स इसके इस स्ट्रक्चर को बनाने के लिए हैं. तो नो आइडिया ऑफ स्ट्रक्चर एंड मेनी स्ट्रक्चर्स कैन बी ड्रॉन फॉर दिस. ये बात समझ में आ रही हो क्या? ये बात समझ में आ रही है, कोई फिक्स स्ट्रक्चर नहीं है. इसीलिए एक स्ट्रक्चर जो तुम्हारे क्लास में सोहम ने बना के दिया अभी, दैट वॉज एक्चुअली अमेजिंग, एंड दैट वॉज C डबल बॉन्ड C. देखो उसने क्या बनाया, C डबल बॉन्ड C. और क्योंकि उसने, मैंने बोला था कि दो OH लगाने हैं तुमने इसके ऊपर, उसने दो OH लगा दिए, OH और OH, और लोन पेयर इस O पे दो और इस O पे दो. देखो गाइस ध्यान से देखो स्ट्रक्चर को, इसका फॉर्मूला बिल्कुल सही है. इफ यू ऑब्जर्व दिस फॉर्मूला देन दिस इज CH3COH. बोलो सही है क्या? बट ये एसिडिक एसिड नहीं है ना. सुनो तो अब इसे ऐसे देखो सोहम, खुशी देखो इसको पार्ट में ब्रेक करो. CH3 की वैलेंसी कितनी होती है खुशी, जल्दी बताओ. बोलो भाई. one. अरे एक कार्बन की चार होती है, चार में से तीन एच ले ली तो एक वैलेंसी बची ना यार. सर वन बोला. हाँ इतनी लेट बोला, उसकी डांट पड़ रही है तुम्हें. तुम क्या 10 मिनट तुम बैठ जाती हो खाली, थोड़ा तो कुछ तो बोलो कि हाँ सर सोच रही हूँ, ये तो बोलो कम से कम. लगता है ब्लैंक बात कर रहा हूँ मैं. OH की वैलेंसी कितनी होती है भाई? सर वन. वन. बीच में क्या बचा भाई मेरे पास में? बीच में बचा मेरे पास में CO. तो इस CO को ऐसे अरेंज करो ना कि उसके पास में दो तरफ मोनोवेलेंट ग्रुप्स लगे, बाकी वैलेंसी सेटिस्फाई हो जाए. अब बताओ क्या करूं मैं उसके लिए, मैं क्या करूं? C डबल बॉन्ड O, दिस विल बी O और H एक तरफ, और एक तरफ C और H और H और H. बोलो समझे क्या? ये CH3COH है. तो जब सुनो सोहम, ये स्ट्रक्चर सही है, इसीलिए इतने सारे स्ट्रक्चर्स पॉसिबल हैं. इसीलिए हम लोग एक सेपरेट साइंस की ब्रांच है केमिस्ट्री की जो से डील करती है. क्या नाम है उसका? क्या नाम है उसका? आइसोमेरिज्म. आइसोमेरिज्म. एंड दीज टू स्ट्रक्चर्स आर व्हाट एक दूसरे के, ये क्या है बताओ? फिलहाल मैंने तुमसे ये नहीं पूछा था, मैंने तुमसे ये पूछा था. सबको समझ में आया? एंड सिंस देखो, सिंस CH3 इज लाइक अ मोनोवेलेंट ग्रुप, क्या बताओ किसकी जैसा है बताओ ये? व्हाट इज द सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल जिस? बिल्कुल सही बात है. सो दिस स्ट्रक्चर विल बी लाइक व्हाट बताओ? C2H6. तो उस लॉजिक से सोचो, तो जो बच्चे देखो मेरी बात सुनो, अब कुछ बच्चों ने देखो ये स्ट्रक्चर बना दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 और इस पे H लगा दिया, एंड फॉर्मूला मैच हो जाएगा. देखो लगा के देखो, फॉर्मूला मैच हो जाएगा इसका.
समझ रहे हो क्या सर? लेकिन ब्रैकेट का तो अलग रोल होता है। यस वही मैं समझा रहा हूँ। जब मैंने अगर आपने C2H4O2 वाला फॉर्मूला दिया होता तो वो सही होता क्या जो आपने बॉक्स में डाला? नहीं, फिर उसके फिर उसका आंसर ही नहीं होता, बिकॉज़ उसमें हमें वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता बताने के लिए ताकि तुम गेस कर पाओ उसके अंदर क्या क्या सामान बचा हुआ है। ओके सर। तो इसका स्ट्रक्चर फिलहाल क्या हो जाएगा सोहम, समझा क्या भाई? एक सी, और जैसे इथेन के फॉर्मूले में C2H6 होता है, वैसे इसके फॉर्मूले में क्या होगा बताओ? CH3, 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 CH3 और CH3। तो विद दिस सब लोग जरा 18 स्ट्रक्चर बनाएं जरा इसको कॉपी करके, ठीक है? C2CN4 जल्दी से। तो लेगा तुम दूसरे डिवाइस से आई हो क्या? सर इसमें CN ऐसे करके लिख दे तो चलेगा? क्या लिख दे चलेगा? मतलब डायरेक्टली CN लिख दे और उसका एक और बॉन्ड नहीं बना तो चलेगा? भाई मुझे नहीं पता, मेरे सारे कंडीशन सेटिस्फाई होने चाहिए। ठीक सर, मैं कुछ टाइम से डिस्कनेक्ट हो गई थी, आपने 2-3 मिनट पहले क्या बोला था एक बार फिर बता सकते हैं? मैंने बताया था तुमने ये सुना था कि C2H4O2 लिखा है तो उसका स्ट्रक्चर नहीं ड्रॉ कर सकते? हाँ सर। ये दोनों आइसोमर्स हैं एक दूसरे के? हाँ सर। और अगर 16 तो 16 तो आपने एक्सप्लेन कर दिया था तब मैं थी सर। C2CH3 6 का अगर तुम इसका टोटल कार्बन गिन के 6 और 2 8 गिन के लंबी चेन बना दोगी 8 कार्बन की, और उस लंबी चेन के अंदर हम लोग अगर सारे हाइड्रोजन जोड़ देंगे तो जोड़ने के बाद में क्या है वही फॉर्मूला मैच हो जाएगा। तो लिखा लेकिन हमें ऐसे नहीं बनाना है क्योंकि उसने CH3 लिख के दिया तो तुम्हें ऐसे बनाना है, बस और कुछ नहीं बना। C2CN4 बनाया क्या भाई? C2CN4 बनाना है तुम्हें? हाँ सर। अच्छा बिल्कुल सही है तंबोली, बिल्कुल सही है शिवेन। ओ गॉड, बिल्कुल सही है महक। सर पहले आपको गलत वाला भेजता हूँ। अरे क्या बात है खुशी, क्या बात है भाई, क्या बात है खुशी, क्या बात है। अरे नहीं नहीं चैतल, चैतल एक मिस्टेक हो गई तुमसे। चैतल तुम्हारा नाइट्रोजन का नंबर मैच नहीं कर रहा है बेटा। ना तो नंबर मैच कर रहा है, ना तुम ध्यान से देखो तो ना तुम्हारा मतलब उसकी वैलेंसी मैच कर रही है ना बेटा, ठीक करो। तुमने उसके पास में स्ट्रक्चर सही बनाया है। हाँ भाई आशुतोष सही है। अरे पार्ट तुमने सही कर लिया ना बेटा? हाँ सर। अरे नालायक बच गया। हाँ प्रतीक्षा सही है। कुशल बच्चे बॉन्डिंग में नाइट्रोजन से बॉन्ड नहीं बनाना ना, कार्बन से बनाना है ना। तो जो तुमने CN लिखा है ना उसमें N को C के बाहर की तरफ लिखो लेफ्ट साइड में, समझे क्या कुशल? तुल्लिका बेटा कैमरा ऑन करके डॉट्स बनाओगी क्या? कैसे पनिश करूं मैं तुम लोगों को?
सॉरी सर, मैं करेक्टेड वाला भेजती हूँ। नहीं, मुझे उसकी दिक्कत नहीं है, तुमसे गलती हो गई, मुझे उसकी दिक्कत है, मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। लोन पे एक पे है, चार पे नहीं है लोन पे यार। हाँ शौनक सही है। हाँ चैतल अब सही है ना। चलो खैर ठीक है। हमारा क्लास 8 बजे तक है ना? यस सर। यस सर। 8 तक ही है ना, उसके आगे तो नहीं है? नहीं सर, आप चाहे तो खींच सकते हैं। वो ठीक है, मैं पूछ रहा हूँ टाइम कब तक है। 8:15 तक है। नलायक शर्म नहीं आती झूठ बोलते हुए तेरे को? सर एक मिनट, आई थिंक गलत देख लिया मैंने। बड़ा मतलब चोर है तुम। नहीं सर सच्ची में। हाँ 8:15 है। नहीं वो आज ऐसे जल्दी चालू हो गई ना। अच्छा अच्छा, बिकॉज़ तुमने टाइम अपना गिन लिया आराम से। हाँ सही है तुल्ली का। तरुण कोऑर्डिनेट बॉन्ड की रिक्वायरमेंट नहीं है बच्चे। कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्यों लगाया है? There is no need for coordinate bond. सुनो, this is like, जल्दी बताओ मुझे किसके जैसा है ये? C2H4. C2H4. And इसलिए मैं नेक्स्ट पेज पे इसका लिख रहा हूँ भाई। एंड दैट इज देखो C डबल बॉन्ड C और C ट्रिपल बॉन्ड एन एक लोन पेयर। ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड एन एक लोन पेयर, ट्रिपल बॉन्ड एन एक लोन पेयर। लोन पेयर ही नहीं बन रहा है यार, क्या स्टाइलस की यार, कोई स्टाइलस ढंग से काम क्यों नहीं करते हैं? और ट्रिपल बॉन्ड क्या बकवास है। सी डबल बॉन्ड सी, सी ट्रिपल बॉन्ड एन एक लोन पेयर, ट्रिपल बॉन्ड एन लोन पेयर, ट्रिपल बॉन्ड एन एक लोन पेयर, ट्रिपल बॉन्ड एन एक लोन पेयर। अच्छा हेडिंग डालो भाई, आफ्टर स्टडिंग ऑल दिस लेट्स फेल इट। नंबर वन लिखो भाई, नंबर वन लिखो भाई। मॉलिक्यूल्स कंपाउंड्स कंपाउंड्स हैविंग इनकम्प्लीट ऑक्टेट। कोई एग्जांपल देगा भाई इसका? क्या हुआ, तुम किसके फोटो भेज रहे हो आयुष? सर वो बाद में डिलीवर हुआ। अच्छा अच्छा, उसके अंदर कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं आएगा आयुष, पता है ना? हाँ सर। क्या बात है महक, बिल्कुल सही है। कौन किसके कंपाउंड हो सकते हैं भाई इसके? क्या बोले थे शिवेन तुम? नहीं नहीं, वो जो केसेस हैं वो एक्सपैंडेड ऑक्टेट में आएंगे शिवेन। अच्छा इनकम्प्लीट ऑक्टेट। हाँ इनकम्प्लीट ऑक्टेट में किसके केसेस हो सकते हैं? क्या लगता है भाई,
जैसे महक ने मुझे बताया है सर, और कोई आयन जिसमें चार्जेस हैं वो सब कंपाउंड? नहीं 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 अच्छा देखो उसके अंदर देखो किसके स्ट्रक्चर आते हैं सुनो द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एग्जांपल्स दैट हैव सच काइंड ऑफ इश्यूज आर एक्चुअली बोरॉन एंड फैमिली. ये मैंने तुम्हें उस समय बोरॉन पढ़ाते समय बताया था देखो क्लास में. अब मैंने तुम्हें बताया था कि बोरॉन के साथ में स्पेशल इश्यू है ठीक है कि आयनिक कंपाउंड बना नहीं सकता है ठीक है. और क्योंकि B+3 जैसे ही बनता है पोलराइजिंग पावर इतनी हाई हो जाती है कि वो खींच के ड्रैग कर लेता है समझ रहे हो हर एक इलेक्ट्रॉन्स को. और कोवेलेंट कंपाउंड्स बनाने के लिए उसके पास सफिशिएंट इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो इट एंड्स अप फॉर्मिंग कोवेलेंट कंपाउंड्स विद इनसफिशिएंट इलेक्ट्रॉन्स. तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो बताओ बोरॉन के आउटरमोस्ट शेल में कितनी बोरॉन ठीक है एंड एल्यूमिनियम ऑल्सो सेम प्रॉब्लम विद एल्यूमिनियम. गाइज एल्यूमिनियम कैसा है मेटल है फिर भी एल्यूमिनियम क्या बनाता है कोवेलेंट कंपाउंड्स बिकॉज Al+3 का भी पोलराइजिंग पावर इतना ज्यादा है दैट इट एंड्स अप फॉर्मिंग कोवेलेंट कंपाउंड्स. सो बोरॉन एंड एल्यूमिनियम ठीक है हैव डैश कोवेलेंसी. बताओ इसके पहले तो कोवेलेंट कितने कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाएगा ये बोलो बोलो. तीन आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है भाई इसके? हाँ भाई मैं तीन. तो ये तीनों शेयर कर लेगा ठीक है इसकी तो भी इसकी वैलेंसी कोवेलेंसी 3 रहेगी. हैव 3 कोवेलेंसी बोरॉन एल्युमिनियम हैव 3 कोवेलेंसी ठीक है. एंड इसके कंपाउंड सारे कैसे बनते हैं देखो BF3 B पे और क्या लगा दो मोनोवेलेंट समान BCl3 और क्या लगा दो B पे OH3 विच इज फेमसली रिटन एज इसको अपन कैसे लिखते हैं H3BO3 ठीक है. और क्या बताओ AlCl3 ठीक है AlCH3 whole 3. देखो ये सब कंपाउंड्स जो हैं ऑल दीज कंपाउंड्स हैव अ वेरी हॉरिफिक फ्यूचर. हाँ महक हाँ ठीक है बिल्कुल सही है महक. दिस इज कॉल्ड बोरिक एसिड. तुम्हारे कैरम बोर्ड्स वगैरह पे जो फ्रिक्शन स्मूदन आउट करने के लिए सामान रहता है पाउडर रहता है उसमें नॉर्मली ऑफिशियली ये यूज किया जाता है. इट्स हैविंग एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज ठीक है एंड बहुत ही सॉफ्ट रहता है ठीक है टेलकम पाउडर टाइप. तो अच्छा इनमें से मुझे किसी का भी स्ट्रक्चर बनाना होगा गाइस तो बताओ मैं क्या बनाऊंगा. आई ड्रॉ दिस जैसे BF3 है तो बी पे क्या बताओ बी पे F F and F तीन तरफ F लगा दिए मैंने और इन F पे तीन लोन पेयर लगा दिए. व्हाट डू यू थिंक सुनो बस हो गया स्ट्रक्चर बात खत्म. ये बोरॉन की कहानी खत्म हो गई क्या इज इट ओवर? नहीं ये मुझे बताओ O3 जैसा प्रॉब्लम नहीं होगा इतने सारे लोन पेयर्स हैं तो. नहीं तो इसमें इमीडिएट एटम्स पे नहीं है ना बच्चे बी और एफ में रिपल्शन है क्या? नहीं नहीं तो बाकी से क्या करना है हमें. एंड बोरॉन जो है वो बहुत ज्यादा ग्रंपी सुपर ग्रंपी ठीक है एंड सुपर एंग्री फेज में चुपचाप बैठा है समझ रहे हो. इसको कहीं ना कहीं से क्या चाहिए गाइस बताओ कितने इलेक्ट्रॉन्स और? दो. तो टू इलेक्ट्रॉन्स मोर के लिए इट इज गोइंग टू रॉब स्टील मर्डर पीपल ठीक है. वो नहीं तुम्हारे क्लास में कुछ लोग जो हैं वो अलग पाथ पर डेविएट हो जाते हैं
ये वो सामान है पीरियोडिक टेबल का, समझ रहे हो, ये वो सामान है पीरियोडिक टेबल का, ठीक है। एंड इसकी केमिस्ट्री पढ़ने के लिए हमें जो है, हमें पहले अपने आप को उस लेवल तक गिराना पड़ता है, द डेस्परेशन, ठीक है, दैट इट हैज, ठीक है, हमें वो डेस्परेशन फील करना पड़ता है कि ये ऑक्टेट पूरा करने के लिए कुछ भी कर लेगा, जो हम बहुत इजीली बोल देते हैं कि अरे उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, गलत संगति में है, ठीक है। तो वैसे ही बोरॉन को कोई अगर बोलता, अगर फ्लोरीन बोले ऐसे मत करो गाइस, ऐसे 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 मत करो, देखो जैसे मेरे को भगवान ने साथ दिए थे, मैंने एक शेयर किया ना, मैं कैसे कंटेंटेड लाइफ स्पेंड कर रहा हूँ, तो बोरॉन विल शिट ऑन हिज फेस एंड से वे शर्म नहीं आती, तीन लोन पेयर एक्स्ट्रा लेके घूमता है और बोलता है कंटेंटेड लाइफ जी रहा है, तेरे को और चाहिए क्या लाइफ में। तो खैर, तो बोरॉन की केमिस्ट्री थोड़ी डिप्रेसिंग केमिस्ट्री है बेचारे की। एंड ऑल इट्स कंपाउंड्स जो कि ये हमारे पास में है यहाँ पे, बी बी पे क्या बताओ, ओ एच, ओ एच और ओ एच, ये सब जो कंपाउंड्स हैं विद टू टू लोन पेयर्स ऑन ईच, ठीक है, ये एच थ्री बी ओ थ्री का स्ट्रक्चर है, बोरिक एसिड एंड सो ऑन, इन सबके बीच में, ठीक है, एंड द मोस्ट मतलब, अच्छा पता है, जैसे मैं हिंट देता हूँ कि दो इलेक्ट्रॉन और अगर लेने की कोशिश करेगा, बताओ कहाँ से ले लेगा, फिर कौन से वाले में, BF3 में, फिर किसी एक F से ले लेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड F से बना लेगा, बट मैंने तुम्हें अभी क्या बताया, बताओ F कैसा एलिमेंट है, अच्छा इलेक्ट्रॉन डोनर है क्या, नहीं नहीं है, ठीक है, नहीं है। इसके बावजूद भी बोरॉन फ्लोरीन में हाथ डाल देता है, मतलब इमेजिन करो कि एक एक बहुत ही एकदम बहुत ही हंग्री, ठीक है, मतलब भूखा नंगा बेचारा निलय बैठा है पास में, ठीक है, निलय बैठा है और पार्थ अपना जो है वो 3-story टिफिन लेके आया है, ठीक है, एंड 3-story टिफिन जो है वो खोल के पार्थ अपना आराम से खा रहा है, एंड बातें कैसी कर रहा है कि भगवान ने जिसको जो दिया है उसी में उसे खुश रहना चाहिए, ठीक है। तो निलय की हिम्मत सोचो, मतलब पार्थ के टिफिन में झपट्टा मार के खा गया पेट में, यानी एंड नाउ पार्थ इज बीटिंग निलय ब्लैक एंड ब्लू, निलय भी क्या कर रहा है, पार्थ का बाल पकड़ के जो है खींच के बैठ गया है, बहुत झापड़ खा रहा है निलय, लेकिन छोड़ नहीं रहा है, बिकॉज निलय हैज नथिंग टू लूज, 3-3 शेयर कर लिए, अगर उसने वापस छीन भी लिया निलय से तो वैसे भी तो सामान पार्थ का ही था, ठीक है, ये ऐसी ऐसी हरकतें करता है, इट्स वेरी डेंजरस, ठीक है, ठीक है पार्थ, ठीक है, ठीक है। द मोस्ट फ्यूरियस इज, सबसे डेंजरस पता है कौन है, ठीक है, तुम्हारे क्लास में कौन है जो सबका सबका टिफिन खा जाता था, पार्थ। अरे नहीं, पार्थ को तो यूज कर लिया हमने, शिविन, शिविन सबका टिफिन खाता है, तो इमेजिन करो है, क्या बोल रहे हो शिविन, शिविन ऑन डाइटिंग सर, फिर पूछ के खाता था, मतलब पूछ के खाते थे, हाँ सर, परीक्षा से पूछ के। अच्छा, तो इमेजिन करो कि एक ऐसा कंपाउंड बन गया BH3 एंड द मोस्ट इरिटेटिंग एंड डेंजरस ऑफ ऑल इज एक्चुअली BH3। BH3 में क्या है कि बोरॉन, ठीक है, बोरॉन ने 3 बॉन्ड बनाए, नाउ निलय इज अ ट्रेन्ड प्रोफेशनल स्नैचर, समझ रहे हो, निलय को ट्रिक आ गई है, बगल में बैठे एक झापड़ मार के छीन लो, वो नहीं होते एकदम ट्रेंड चोर नहीं होते, उसके बाद में पकड़े भी गए, मार भी खाई, तो क्या हो गया, अपने हाथ में भागते चोर की लंगोटी सही, क्या दिक्कत है। तो बोरॉन ने 3H के बॉन्ड बनाए, जैसे ही बोरॉन ने आंख खोली, बोरॉन ने अपना शिकारी पंजा बाहर निकाला, समझ रहे हो, एंड शिकारी पंजा बाहर निकाल के किसके ऊपर हाथ फेरा, हाइड्रोजन पे, एंड टू द हॉरर ऑफ बोरॉन
ठीक है, इसको हाइड्रोजन पे कुछ मिला ही नहीं, अभी तेरा टिफिन कहाँ है? हाइड्रोजन लाइक मैं तो वैसे ही भूखा रहता हूँ, मुझे क्या, मेरे पास तो कुछ नहीं है। तो एकदम जो है दूर दूर तक एकदम रेगिस्तान छा गया इलेक्ट्रॉन्स का, द कंडीशन बिकेम वेरी बैड, ठीक है। एंड देन समथिंग हैपेंड, समथिंग समथिंग मतलब सिनिस्टर, समथिंग बैड, ठीक है, समथिंग अबोमिनेबल हैपेंड, एंड दिस BH3, ठीक है, डज समथिंग टू फॉर्म अ कंपाउंड कॉल्ड B2H6, ठीक है। ये B2H6 इतना डेंजरस कंपाउंड है, ठीक है, केमिकली भी और थ्योरेटिकली भी, कि इसको पढ़ने से तुम्हारे सारे कॉन्सेप्ट हिल जाएंगे, समझ रहे हो, हम बाद में पढ़ेंगे इसे, लिख लो भाई इसे। हाँ भाई अनीश, द केस ऑफ बनाना बॉन्ड, सबने लिखा ये? सर आपने एग्जांपल किसके लिए लिखे थे? मैं डिस्कनेक्ट हो गया था बीच में। ओह माय गॉड यार, ये इसके लिए लिखे थे सर, मेन आदमी तो डिस्कनेक्ट हो गया। नहीं नहीं नहीं, मैंने सुना था वो, पर वो जो एग्जांपल आपने लिखे ना वो नहीं सुने, BF3 BCl3 BOH। बहुत अच्छा हुआ तुम डिस्कनेक्ट हो गए, जो भी तुमने सुना सुनने लायक नहीं था। नहीं सर आप गलत कह रहे हो, मैंने सुना, सर नीले माफिया नीले, वो जो एकदम डीप डीप बॉम्बे के हार्ट में, जो एकदम धारावी वगैरह में नहीं होते हैं, स्नैचर बच्चे एकदम। हाँ सर। तो हम लोग एक बार बिहार घूमने गए थे, तो वहां पे क्या गाड़ी पार्क करनी थी, तो गाड़ी पार्क करनी थी, तो हम लोग खड़े हो गए कहाँ पार्क करें, तीन छोटे बच्चे, ठीक है, छोटे मतलब मैं तुम्हें बताऊं कितने कितने छोटे, कि पार्थ को खड़ा करो तो जो पार्थ का घुटना है ना, द नी हाइट, ठीक है, घुटने तक जो उसका हाइट है, ठीक है, उसके आधे इतने कि उन्होंने बेरली अभी चलना सीखा होगा, ठीक है, तो तुतलाते हुए बोल रहे हैं, अरे यहाँ गाली खड़ी कर दो, हम लोग देख लेंगे। तो तो ठीक है, तीन बच्चे, तो हम लोग उन्हें देख रहे हैं, तो उसने वापस हमारा डाउट क्लियर किया कि 10 रुपए दे दो, गाड़ी देख लेंगे आपकी, कोई दिक्कत नहीं है हमको। तो बिकॉज ऑफ लैक ऑफ स्पेस वी एक्चुअली गेव देम 10 रुपीज, तीनों जो बच्चे जो हैं वो एक्चुअली खड़े रहे वहीं पे, घूम के आए तो उन्हें 10 रुपए और दे के उसके बाद में गाड़ी लेके गए हम, वेरी स्मार्ट, ठीक है। खैर मैं ऐसा किस्सा क्यों बता रहा था तुम्हें, लेकिन वो बच्चे कर ही क्या पाएंगे, कोई समझ लीजिए आदमी आ जाता है चोरी करने, चल तो पाते नहीं है वो, क्या करेंगे? वो तो बात सही है, ठीक है, लेकिन लेकिन वो तुम उनसे गाड़ी नहीं चुरा पाओगे, ये बात तुम्हें लिख के दे देता हूँ, वो तुमको तो पानी पिलाई देंगे सोनक, ठीक है, मतलब वो हमारे बस की बात नहीं, उन लोगों से डील करना। मेरे को लगा, मेरे को एक्चुअली पता है, मेरे को चिंता बच्चों की नहीं थी, मेरे को चिंता अपनी गाड़ी की थी, मेरे को लगा कि शायद मुझे वापस गाड़ी मिलेगी नहीं मिलेगी यहाँ पे, जो है उन बच्चों को देख के लगा था। तो खैर एनीवेज, बात ये है B2H6 का स्ट्रक्चर निलय, मैंने बताया कुछ खास नहीं, निलय ये फालतू बकवास है, ये बकवास बाद में आने वाली है, निलय बहुत डिटेल में आएगी, तब तुम देखना, फिलहाल ये स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लो। Okay. हाँ सुनो, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि जैसे B2H6 वगैरह हो गया, नेक्स्ट पॉइंट इज एग्जांपल्स ऑफ एक्सपैंडेड ऑक्टेट, कंपाउंड्स विद एक्सपैंडेड ऑक्टेट, लिखो जरा। कंपाउंड्स विद एक्सपैंडेड ऑक्टेट, तो भाई सबसे पहले सुनो गाइस, PCl3 का लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाओ, फास्फोरस का बड़ा, फास्फोरस का छोटा भाई कौन है, कौन सी फैमिली भाई, यहाँ पीरियोडिक टेबल काम आता है, नाइट्रोजन, तो पी के ऑटोमोबाइल शेल में 5 इलेक्ट्रॉन, जिसमें से कितने शेयर हो गए भाई, 3, Cl Cl Cl, बिना
बिना आलस किए, बिना किसी लिथार्जिक थॉट के बिल्कुल देर मत लगाना सीएल के साथ छह डॉट्स बनाने में पीसीएल थ्री, ठीक है? ठीक वैसे ही जैसे देखो एनसीएल थ्री होता है, यहां पे लिख लो एनसीएल थ्री, तो एनसीएल थ्री कैसा हो जाता है, एनसीएल सीएल सीएल। ये बात अलग है कि एन और सीएल में थोड़ा लोन पे रिपल्शन फिर भी एग्जिस्ट करता है बिकॉज सीएल थर्ड पीरियड का है, बट थोड़ा है। अच्छा अब बताओ मुझे, अगर मैं PCL5 बोलूं, अच्छा तुमने सुना है PCL5 exists करता है, have you heard this compound somewhere? हाँ सर, yes sir। तो सबसे पहले surprising बात तो ये है कि PCL5 exists, तो इसका structure कैसा हो जाएगा, CL, 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 guys देखो, मतलब मैंने पांच थे, पांचों शेयर कर लिए भाई इससे, एक दो तीन, एक दो तीन, एक दो तीन, जल्दी बनाओ। और वैसे ही NCL5 भी, क्यों भाई सही है? Yes, sir। जल्दी से बना दो, सही है प्रतीक्षा? Yes, sir। ठीक है शिविन, NCL5 का पता नहीं एग्जिस्ट है, नहीं करता क्या? सर काफी अनस्टेबल लग रहा है सर, सर नहीं करेगा ना, एन तो बहुत छोटा हो गया सर, और पांच सीएल जुड़ रहे हैं मतलब। अच्छा चलो ठीक है, अभी देखते हैं सर, 10 इलेक्ट्रॉन आखिर में हो ही नहीं सकते। क्यों नहीं हो सकते? अच्छा जरा लिख लो, फास्फोरस के पास में, सुनो सब लोग लिखो इसे, इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं ऑटोमोशल में आफ्टर बॉन्डिंग? सर 8 आफ्टर बॉन्डिंग, सही बात है भाई। नाइट्रोजन के पास में कितने ऑटोमोशन में? हाँ अनिश, हाँ 8 इलेक्ट्रॉन्स। अरे यार स्टाइलस को क्या हो गया है, तुम्हारे साथ कुछ ना कुछ दिक्कत हो जाती है हमेशा। 8 इलेक्ट्रॉन्स, फास्फोरस के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स आउटमोस्ट शेल में? 10 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और नाइट्रोजन के लिए जो तुमने स्ट्रक्चर बना लिया है उसके ऊपर एक प्यार से कट मार दो, अच्छे से मारो और एकदम शान से लिखो ताकि तुम्हें क्लियर रहे। हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, चैट पे बता रहे हो वो PCl5 exists but NCl5 doesn't, NCl5 doesn't। उसका रीजन क्या है भाई? उसका रीजन ये है, नहीं साइज नहीं है, साइज नहीं 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 रिपल्शन होता है। यस देखो फास्फोरस कॉन्फ़िगरेशन है 3s2 3p3, मेरी बात सुनो, नाइट्रोजन कॉन्फ़िगरेशन है 2s2 2p3। अब मुझे बताओ इसके अंदर मैक्सिमम कैपेसिटी, इसकी इसकी जो है मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है बताओ? एट इलेक्ट्रॉन्स की है कि नहीं? Yes। और इसका जो अगला है नाइट्रोजन के अंदर, उसके नया शेल खोलना पड़ेगा, उसके लिए 3s आना पड़ेगा, दैट इज एक्चुअली टू फार, ये बहुत दूर है, समझ रहे हो? और फास्फोरस के पास में 3s2 3p3 के थोड़ी दूर ही क्या प्रेजेंट है बताओ? 3d। और इनकी जो मैक्सिमम कैपेसिटी है, इसकी जो मैक्सिमम कैपेसिटी है
बताओ कितनी है, बोलो। 18 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसलिए दोनों में कंक्लूजन क्या हो सकता है बताओ, कि दो नाइट्रोजन हैज, दो एन हैज 5 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटरमोस्ट शेल, ठीक है, इट कैन शेयर नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड से डैश इलेक्ट्रॉन्स, बोलो कितने? 3 क्यों? क्योंकि 3 शेयर करोगे गाइस, सुनो, तो 3 शेयरिंग पे तुम्हें 3 और मिलेंगे, और 5 और 3 क्या हो जाएगा? 8 और फास्फोरस आल्सो हैज 5 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटरमोस्ट शेल, एंड इट कैन शेयर डैश इलेक्ट्रॉन्स 5 इलेक्ट्रॉन्स, इट कैन शेयर ऑल 5 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि पांचों शेयर कर देगा तब भी कहां तक जाएगा बताओ, ये 10 तक, 10 तब भी इसके पास बहुत स्पेस खाली रहेगी। जल्दी से ये स्लाइड कॉपी कर लो भाई। जब मैं लिखता हूं स्लाइड पे, इस पे तो तुम्हारे सामने जो बोर्ड है उसमें नीचे कुछ स्पेस खाली पड़ी रहती है क्या? अभी फिलहाल है। अच्छा, मतलब हर स्लाइड में ऐसे स्पेस खाली पड़ी रहती है, राइट? सर बस मतलब एक सर बहुत कम रहती है, इतना इतनी ज्यादा नहीं रहती है। हाँ, नहीं नहीं चिंता मत करो, मैं उसे भर भी नहीं सकता हूँ, बिकॉज इसमें एक नीचे बैंड है, आई कांट राइट ऑन इट। तुम लोगों का कैमरा नहीं ऑन करवा सकता हूं 2 तारीख तक, बिकॉज मैं एक्चुअली आउट ऑफ टाउन हूं एंड थोड़े से इश्यूज हैं यहाँ पे नेट वगैरह के। सर अच्छा लगा सुन के। हाँ भी लिखा सबने। इसलिए सुनो, देखो ये स्लाइड लिख रहा हूं, इसलिए व्हाट वी कैन रिमेंबर इज दैट फ्रॉम 3rd पीरियड ऑनवर्ड्स। अच्छा, किसी को ये डाउट तो नहीं आया कि 3s और 3b के बाद 4s आना चाहिए था? नहीं आया ना, वो क्लियर है ना तुम्हें? सर एनर्जी डिफरेंस इतना नहीं रहता। ना 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 ना, ये आंसर नहीं है इसका। सर मतलब वो इतना नीचे नहीं जाता एस। हाँ सर, हाँ, अभी भी इतना खींचा है, अभी भी उसमें डिस्टेंस रहता है। हाँ, मतलब तुम्हें याद है ना वो हाइड्रोजन के लिए जैसे बराबर रहता था, तो धीरे धीरे चेंज हो रहा है, वो धीरे धीरे नीचे आता जा रहा है 3D। हाँ, लेकिन अब तक नीचे आया नहीं है वो, अभी तो वो खाली है, लेकिन अभी नंबर 3D का है पहले। तो फॉर थर्ड, देखो मैं यहाँ पे क्या लिखना चाहता हूं, ठीक है, कि फ्रॉम 3rd पीरियड ऑनवर्ड्स अवेलेबिलिटी ऑफ क्या क्या डी ऑर्बिटल, अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल, ठीक है, रिमूव्स द बाउंडेशन ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन लिमिट ऑन एनी एटम। ठीक है, सो ऑल वी हैव टू डू इज, क्यों भाई बोलो क्या? So we can just
keep on expanding octet. Keep on expanding octet without any constraint. Without any constraint. But मैं caps lock में लिख रहा हूं देखो. But remember, for second period, क्या बताओ? Octet can never expand. समझे क्या सर? जिनमें d completely filled है उनमें भी expand होगा. किसमें d completely filled है बताओ? So like d10 as zinc. जिसमें जी सुनो, जिसमें डी टेन है तुम एक बात भूल रहे हो कि जिसमें तुम डी टेन देख रहे हो पहली बात या तो वो जिंक है. जिंक तो आयनिक बॉन्ड बनाता है. समझ रहे हो क्या? बताओ मुझे. और अगर सुनो तुम जिंक से आगे जा रहे हो आर्यन. हाँ सर. अगर तुम जिंक से आगे जा रहे हो तो वो 4s2 3d10 और 4p3 पे होना गाइज. आर्यन तो अभी मेरा एम 3d नहीं है. अभी मेरा एम क्या है बताओ? अब 4d. समझ गए सर. समझ गए ना आर्यन? तुम जैसे जैसे नीचे मूव करते जाओगे आर्यन, नया नया शेल पैक होता जाएगा ना. वैसे वैसे जो नया डी नहीं खुला है उसको यूज करना है ना हमें. तो भाई ठीक है भाई, तुल्लिका समझ गया. हाँ सर. शिवेन ठीक है? अच्छा इसलिए बताओ मुझे, सपोज अगर SO2 का स्ट्रक्चर बनाना है बताओ क्या करूं? सल्फर पे पहले कितने इलेक्ट्रॉन्स? किसका भाई है सल्फर? बड़ा भाई ऑक्सीजन. तो 6 इलेक्ट्रॉन्स. तो मैंने यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ लगाया, ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर बना दिए. और तो पहले क्या होता था गाइस पता है? अब इसके बाद बताओ क्या करूं मैं? बोलो. एक और ओ के साथ में फिर कोऑर्डिनेट कर देते थे पहले. हाँ बिल्कुल सही. तो पहले एक्चुअली क्या है कि कोऑर्डिनेट कर देते थे, ठीक है. अब क्या हो गया है? अब बताओ, अब सल्फर भी स्टार्ट हो गया भाई, ऑक्सीजन आया और उसने बोला स्माइल करके, अरे क्या शेयरिंग करेंगे, लाइए यार 2 इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट बॉन्ड दे दीजिए. सल्फर इज लाइक सवाल ही नहीं उठता है, ठीक है. मैं बिल्कुल शेयरिंग करेगा. ऑक्सीजन बोल रहा क्या बात कर रहा है, बोला शेयरिंग कर, इलेक्ट्रॉन चाहिए तो भैया कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे को, तू शेयरिंग कर SO2. इसीलिए क्या बन जाता है गाइस बताओ? SO3. समझे क्या? तो इसका कंक्लूजन ये है कि थर्ड पीरियड के स्ट्रक्चर्स आर फार मोर इजियर देन सेकेंड पीरियड. तो नंबर ऑफ लोन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एस्टेटीन कैन होल्ड, सबके लिए 18 ही. मतलब तुम किसको ले रहे हो? F को भी साथ में ले रहे हो क्या? लोग क्या सोच रहे हैं? उसकी जरूरत ही नहीं पड़ती है. अनीश मैं तुम्हें एक चीज अभी नेक्स्ट फ्यू क्लासेस में तुम्हें समझ में आएगी, वो 18 होल्ड कर सकता है. इसका मतलब ये नहीं है कि तुम जो है 18 इलेक्ट्रॉन्स में घुसा ही दोगे हर बार, तो वो पॉइंटलेस हो जाता है डिस्कशन.
कि क्यों एस्टेटीन में हम इनफाइनाइट इलेक्ट्रॉन्स या 18 इलेक्ट्रॉन्स, हम इन जनरल किसी भी एटम में 18 इलेक्ट्रॉन्स क्यों नहीं भर सकते हैं? हम देखेंगे उसका रीजन क्या है। खैर सबने सबने लिखा भैया, एक मिनट सर। ये स्लाइड सेव कैसे करते थे यार? सेव कैसे करते हैं? सेव टू एल्बम, हाँ मिल गया भाई। चलो ठीक है, अभी इसे एंड करता हूँ भाई। ठीक है, एंड रिकॉर्डिंग सेंड करवाता हूँ। तो मैंने केमिकल बॉन्डिंग का बुकलेट दिया है, मैं तुम्हें उसमें नंबर बता रहा हूँ। अब लास्ट क्लास के भी नोट्स नहीं भेजे। अरे लास्ट क्लास के नोट्स सुनो, लास्ट क्लास के नोट्स और रिकॉर्डिंग जो है ना, मेरी बात सुनो, जो लोग एब्सेंट थे तो वो मॉर्निंग बैच की जो रिकॉर्डिंग और नोट्स हैं, ठीक है, रिकॉर्डिंग है वो एग्जैक्टली वही था। तुम उसको एक बार काम चला लो, उसको देख के, उसमें कुछ खास फर्क नहीं था। कुछ लाइंस इधर उधर होती बट उससे कुछ खास फर्क नहीं था। वो तुम्हें आराम से समझ में आ जाएगा उसमें से, क्योंकि वो मैंने रिकॉर्ड किया, मेरा तो डिवाइस थोड़ा वैसे ही माइल फंक्शनिंग है, तो उसमें से एक्सट्रैक्ट करके डालने में बहुत टाइम जाएगा, उसमें कुछ भी ऐसा नहीं था। ठीक है, सबने लिखा ये। तो हम इसको एंड करते हैं गाइज। और फिलहाल मैंने तुम्हें देखो बुकलेट शेयर किया है केमिकल बॉन्डिंग का, एक रेजो का। तो मैं जीन का और रेजो का जो बुकलेट है उसमें मैं आयनिक बॉन्डिंग का सेक्शन स्पेशली उसे मार्क करवा रहा हूँ, तो मैं वो अटेम्प्ट करना है। ठीक है, मैं ग्रुप पे तुम्हें मैसेज डाल रहा हूँ। ठीक है भाई, थैंक यू। थैंक यू, चलो भाई, बाय बाय, हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू सर। हाँ भाई, सेम टू यू भाई, हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू सर, हैप्पी न्यू ईयर। बाय सर, हैप्पी न्यू ईयर। बाय 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 सर।